है कि उनमें चल ही नहीं सकना, वो व्हील चेयर ऊपर करो ना। अच्छा और लत ही उछ नहीं है बिल्कुल। वो पिछले 3 सालों से स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस जैसी एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। गाइस जय शंकर की जय श्री राम। अज साढ़ा एक ब्लॉग तो नहीं है, बारी एक अस बनाने वीडियो उधर उपर साढ़े एक बेई जान उन्हें जरूरत है थोड़े लोगों की सारे की जिन्हें भी दिखते वीडियो, क्योंकि तुम लोग सारे की मदद कर रहे हो तो उनकी भी तुम मदद कर रहे हो। कभी गलबात की है कि पहले अज साठ छेक आई वीडियो तो वीडियो की हैगी उस वीडियो के बारे गल करनी है पूरी स्क्रीन उपर चलनी वीडियो, तुम वीडियो देखियो फिर अस दसने की वीडियो की गलबात है पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खजूरिया टीचर जोन पंचारी, आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारे एक साथी श्री राम कुमार वर्मा जी टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मध्याल धनती, वो पिछले 3 सालों से स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस जैसी एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और वो उसका एक दो बार ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन अभी एक मेजर ऑपरेशन जो है उनका वो होना बाकी है, तो जिसके लिए उन्हें बहुत सारे धन की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल जो है वो ज़रूरत है। तो मैं आप सब साथियों से इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे एजुकेशन के हमारे साथी थे, हमारे भाई थे, तो हम सबका फ़र्ज बनता है कि इस उनकी मुसीबत के समय में हम एक दूसरे की मदद करें। तो मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपसे जितना हो सके, आप जितना कर सकते हो तो जो उनकी फाइनेंशियल हेल्प जो है वो करें, और आपसे जितना भी हो सकता है उनका अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स जो है वो यहाँ पर नीचे लिंक कर दी जाएंगी, तो आप उनके बैंक अकाउंट में जितनी अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं तो वो करें, ताकि उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए और वो जल्दी ही स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। देखिए किसी ने कहा है कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटे और नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। तो किसी की मदद करने से या एक दूसरे का साथ बढ़ने से हमारे धन में कोई कटौती नहीं होती या कोई कमी नहीं आती, तो इसलिए हमें मुसीबत के समय में ज़रूरतमंद की एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे पुनः हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जितना भी हो सके आप अपने साथियों से या जितने भी कोई सोशल वर्कर जो हैं वो उनकी सहायता करना चाहते हैं तो वो करें, तो उनकी बैंक डिटेल जो है वो साथ में वीडियो के यहाँ पे नीचे दी गई है, तो आप वहाँ पे जाकर उनके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत। हूँ तुम उनके बारे सुन लिया पूरा कि उन्हें बीमार न, बाकी हूँ मैं उन्हें फोन करना, उन्हें पूछना कि उन्हें पूरी मतलब कि पूरी समस्या की है, फिलहाल मैं समझागा मैं कि पूरी गलबात की है, ठीक है, पहले पहले उन्हें फोन कर लेना एक बार में। जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम जी। भैया मैं उगा थोड़े दिखा था वीडियो हूँ फिलहाल दिख, हाँ जी तुम मिकी सुनाओ पूरी गल सुनाओ ये शुरू हले कि किया किया के गलबात हुई पूरी। देखो ना 3 साल पहले मी कोविड होया ना। 3 साल पहले। हां अच्छा। कोरोना होया। ओदे कन्ने मेरी कमर दर्द बड़ी बड़ी ज्यादा। अच्छा। 10-15 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहया, आईसीयू विच रहया। अस्पताल। हां हां जी। फिर मैं घर आया, वीकनेस बड़ी हुई थी। घर गए मी पौड़ियों पर स्लिप लगी। अच्छा। मेरी रीढ़ दी हड्डी टूटी। अच्छा अच्छा। ओदे ने मेरी लत्ता सुन्न होई आ। पेशाब जेड़ा लीक लगी आ ना। चलने कोला मैं नहीं चलाउणा लग्या। अच्छा। फिर अस हॉस्पिटल गए अंबरसर अमनदीप, उन्हें आख्या कि जल्दी कोला जल्दी ऑपरेशन कराओ, थोड़ी जेड़ी स्पाइन जेड़ी नस होंदी ओ फसी दी विच। अच्छा। ते ऐसा नहीं होए टूटी आओ। अच्छा। फिर तुसे हमेशा पैरालाइज रही जाना। असें एमरजेंसी उंदे कोल ऑपरेशन कराई ओड़िया। 7-8 लाख रुपए ऑपरेशन दा लेता उन्हें। अच्छा। ओदे बाद घर भेज ओड़िया कि 3 महीने बाद तुसे ठीक होई जाना। अच्छा। 3 महीने दवाई शोई खादी, जी आख्या था पूरे प्रिकॉशन किते, वापस चेक कराने गए, उन्हें आख्या थोड़ी हड्डी नहीं जुड़ी दी। 3 महीने और दवाई खाओ। अच्छा। 3 महीने और दवाई खादी, नहीं फर्क पिया। अच्छा। 3 महीने और खादी, 9 महीने दवाई खाउड़ी बारी बारी, पर वो हड्डी जेडी जुड़ी नहीं, जेडी उन्हें बिच स्क्रू पाए दे, राड़ा पाई दी ना रीढ़ दी हड्डी दी। अच्छा। वो जोड़ नहीं बनिया, वो जेड़ा वो उपर कैल्शियम वगैरह बनना, हड्डी जुड़नी, हड्डी जुड़ी नहीं। अच्छा। फिर वो मेरा आखना तेरा एक दो और ऑपरेशन करना से, वो करना पेट दा रस्ता है। अच्छा। ओदे से खर्चा से चाहिए 10-15 लाख रुपया। अच्छा। ये फॉरन दा इम्प्लांट आ ना, फिर असा तेरा ऑपरेशन करना। अच्छा। फिर जेले ये आख्या उन्होंने अस चली गए दिल्ली। दिल्ली 2-4 हॉस्पिटल आख्या, कोई आख्या ऑपरेशन कराओ, कोई आख्या नहीं कराओ, कोई आख्या पेट दा कराओ, फिर एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर HU नागर। अच्छा। एम्स दे। ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੱਡੀ ਜੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ।
फिर मी कारण दिखना दे गड्डी क्यों नहीं जुड़ी। फिर उन्हें डायग्नोज किया, उन्हें आख्या कि गड्डी के पिछे टीवी अच्छा एमडीआर होंदा है, टीवी एक होंदा नॉर्मल टीवी जेड़ा फेफड़े शेफड़े होंदा तो 2-6 महीने दो एक और ठीक हो जाता, अच्छा टीवी होंदा हड्डी की हो गई कीड़े जेड़े हड्डी की खाने लगते अच्छा टीवी हो गई हड्डी दाग क्यों की बैक्टीरिया होंदा ना तो हाँ पटी नहीं बिल्कुल करता बैक्टीरिया, तो होंदा एमडीआर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जेड़ा उपर दवाइयां दा असर नहीं होंदा, अच्छा वो टीवी मी हो जाता होना। हूँ वह समय समझो टीवी दवाई खेते एक साल से 2 महीने लगी होना, अच्छा जो पहला ऑपरेशन कराया था उसके पीछे स्क्रू टूटी दे क्योंकि हड्डी बनी ने ना सारा बॉडी का लोड स्क्रू उपर हा, वो स्क्रू मेरे टूटी है, हूँ एक उन्हें सर्जरी करनी मेरे स्क्रू कड़ने जो टूटे दे, दूसरी सर्जरी करिए उन्हें जेडे के हड्डियां खाधी दी ने जो बैक्टीरिया ने उन्हें की दोबारा उन्हें और राड़ा शाड़ा पाइए तो थोड़ी सपोर्ट देनी, अच्छा ये सारे ट्रीटमेंट आस्ते वो आखा था कि 22-25 लाख रुपए चाहिए, अच्छा जिन्नी देर ट्रीटमेंट नहीं करने तुस ऑपरेशन आला जो तुसी हर महीने 1 लाख रुपए का इंजेक्शन लगता 40-50 हज़ार रुपए की दवाई आती, मतलब हर महीने 1.5 लाख खर्चा हुआ था, 1.5 लाख रुपए हर महीने खर्चा हुआ था, सेविंग्स कितना ही है जिन्ने लोन बैंक दे सकता सारा कुछ करी अपना कर उड़िया, अच्छा जमीन जमीन बेचनी लाई तो ओएलएक्स पाई सोशल मीडिया पाई कोई गाहक नहीं मिलिया, ओह्दे बाद फिर मैं क्राउड फंडिंग इहदे विच वी इह है कि पिछे जे कोई 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट च आई दा जिहड़े लोकां पाए दे बेचारे थोड़े थोड़े ते ओह मैं हुण परसों गया परसों मैं अपना इंजेक्शन लवाया, अच्छा मेरा इंजेक्शन वास्ते पैसे नहीं है, फिर मैं इंजेक्शन लवाया ते 1 महीने दी दवाई लेई आया था, अच्छा बाकी मदद करनी लोग जम्मू बड़े चंगे लोग मदद करते बंदे पता लगे नहीं है मदद करते बंद मैं समझो बिना दवाई दे बिना इंजेक्शन 1.5 महीने को मेरी वीडियोस वगैरह वायरल हुई तो काफी लोगों ने साथ दिता उन्हें सपोर्ट की उन्हें लोगों की वजह करना फिर मैं दिल्ली जाई सकिया अपना जो रूटीन इंजेक्शन इंजेक्शन भी मिल लगी 1 महीने की दवाई भी मिली। दोस्तों तुसा सुन लिया पूरी गलबात उंदी ते खल्ले उंदा फोन नंबर भी पेदा तुस उंदे नाल गल भी कर सकदे हो अपने आपू भी बाकी तुसें इंदी मदद सारे करनी जिंदी जिन्नी होग तो कोशिश करियो किसी वीडियो की शेयर भी करियो ठीक है। जय शंकर की जय श्री राम।